हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी, आप देख रहे हैं नवाई फिजिक्स। आज से हम लोग क्लास ट्वेल्थ का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज चार्ज, चार्ज होता क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कूलॉम्स लॉ, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो आज का ये वीडियो बेसिक वीडियो है और टाइम बीतने के साथ साथ जैसे और वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग अपने लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। बेसिकली एकदम फंडामेंटल से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चार्जेस के बारे में आपको काफ़ी कुछ तो पहले से ही पता होगा, जैसे कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको ऐसे भी पता है। अब देखेंगे एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे कि चार्ज होता क्या है। हमने क्लास टेंथ में ये चीज़ देखी थी कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस रिपेल, यानी कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो चार्जेस को डिफाइन कैसे करेंगे, हम बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि अगर ये कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जिससे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन उनके बीच में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वो प्रॉपर्टी है जिससे इनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, ठीक है। तो इसी को ध्यान रखना है, ये एक्चुअल में पूछा नहीं जाता बट ये चीज हमको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स कितने टाइप की होती हैं और चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो जो अगर टाइप की हम लोग बात करें तो दो ही टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे हमारा होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम प्लस में। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। ये फंडामेंटल चार्ज है, अभी मैं बताऊंगा कि इसे फंडामेंटल हम लोग क्यों बोलते हैं। ये है फंडामेंटल। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, जो सबसे नंबर वन प्रॉपर्टी है वो है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, कैसे एडिटिव, एडिटिव से हमारा सेंस क्या है, एडिटिव का मतलब होता है जैसे मास क्या है, एडिटिव है ना, ठीक है। एक झोला है जिसमें आपने 2 किलो रखा, 4 किलो रखा, 6 किलो रखा, तो टोटल मास हमारा कितना हो जाएगा, 2 किलो प्लस 4 किलोग्राम प्लस 6 किलोग्राम, ओवरऑल आ गया 12 किलोग्राम। इसे बोलते हैं एडिटिव, ठीक है। तो अगर चार्जेस रखे हैं हमारे, यानी कि एक यहां पर इस सिस्टम में प्लस 2 कूलम, माइनस 4 कूलम, प्लस 8 कूलम, और मैं पूछूं कि टोटल चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे प्लस 8 प्लस 2 माइनस 4, यानी ये एडिटिव है, इसको एज इट इज ऐड किया जा सकता है, यानी 6 कूलम प्लस 6 कूलम का चार्ज होगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। दूसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये कंजर्वेटिव चार्जेस हमेशा कंजर्व्ड होते हैं, कंजर्व्ड, ठीक है। यानी कि अगर इस पूरे यूनिवर्स में जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है, जितना टोटल नेगेटिव चार्ज है, या यूं बोल लें इस यूनिवर्स में जो टोटल चार्ज है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है, ये एक बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरी बॉडी पे चले गए, तो जिस पे गया है इस पे माइनस नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा और जिससे निकला है वो उस पे पॉजिटिव का, बट दोनों का जो टोटल चार्ज है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर सिर्फ चार्जेस का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हो रहा है तो जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा, चार्जेस का लॉस या गेन नहीं होगा, ठीक है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हो सकता है पर ओवरऑल पूरे सिस्टम में चार्ज नहीं चेंज हो सकता।
तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। ध्यान से देखना, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी एग्जैक्टली मतलब समझना, मैं आपको इसका एक बार स्टेटमेंट बताऊंगा, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखो, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई बॉडी है, अगर इस पे चार्ज है, कुछ भी चार्ज है, मैंने बोल दिया इस पे प्लस समथिंग चार्ज है, तो इस स्टेटमेंट में बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि जो भी चार्ज इसके ऊपर होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज के, फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, अब वो चाहे प्लस में हो या माइनस में। ठीक है, किसी भी बॉडी से हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला तो वो इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पे गया है उस पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला है उस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जिस पे गया है उस पे नेगेटिव, जिससे निकला है उस पे पॉजिटिव। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर अगर कुछ चार्ज है तो वो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज का, यानी n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, अगर 0 है तो कोई चार्ज नहीं है, 1 है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, फिर वो चाहे पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में। तो अब ये बात आती है ऐसा क्यों, तो चलो समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। देखो, दो बॉडीज में रखता हूं, एक बॉडी दो बॉडी, इस बॉडी से हमने इन दोनों को आपस में रगड़ा, तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सपोज दैट इस बॉडी से इस बॉडी में हो गया, तो जिसमें गया है उस पे चार्ज कितना आएगा? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगा नेगेटिव में, और जिससे निकला है उस पे प्लस में आ जाएगा उतना ही चार्ज, यानी कि 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल के यहां पर आ जाते हैं तो 10 टाइम्स हो जाएगा ना, और यहां पर प्लस 10 ही। यूं समझना कि आपके जेब में ढेर सारे पैसे हैं और सारे के सारे कितने रुपए के हैं? 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, 10 रुपए के सिक्के हैं आपके जेब में ढेर सारे। अगर मैंने हाथ डाल के और कुछ सिक्कों को निकाला तो ये बताना क्या मैं कभी 55 रुपीज निकाल सकता हूं? कभी नहीं निकाल सकता ना, क्योंकि सिक्के आपकी जेब में 10-10 के हैं, यानी कि या तो मैं 5 कॉइंस निकालूंगा 50, या तो मैं 6 कॉइंस निकालूंगा 60, बट मैं 55, 52, 57 नहीं निकाल सकता। यही होता है क्वांटाइजेशन। एक बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो सीधे का सीधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का चार्ज आता है, तो कभी भी आप 1.5 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर कर नहीं सकते। ठीक है, 1.3 इलेक्ट्रॉन हमने भेज दिया, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स भेजेंगे? हमेशा इंटीजर भेजेंगे, तो अगर इंटीजर भेजेंगे तो हमेशा जो चार्ज आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल आएगा एलिमेंट्री चार्ज का, इसीलिए इसको बोला जाता है फंडामेंटल चार्ज। अगर आपसे कोई पूछे कि फंडामेंटल चार्ज इसको क्यों बोलते हैं, तो आप बोलोगे इस यूनिवर्स में कोई भी चार्ज जो है वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी इससे छोटा चार्ज और कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी पे वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज का, अब वो चाहे प्लस में हो या नेगेटिव माइनस में हो। अगर बॉडी से निकला है तो जिस बॉडी से निकला है वहां प्लस में आएगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्लस में चार्ज इस पे आया, जिस बॉडी पे गया है उस पे नेगेटिव चार्ज। तो ये है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक छोटी सी प्रॉपर्टी की बात और कर लेते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है, तीन प्रॉपर्टीज हमने देख ली, चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो चीज आपको ऑलरेडी पता है, उसको मैं लिखाने वाला नहीं हूं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने 12th के सिलेबस की ओर, देखते हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है। कूलॉम्स लॉ,
एक चीज समझना, जो मैं अभी मैंने लास्ट पॉइंट बोला, टू सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अगर सिमिलर चार्जेस सपोज दैट प्लस प्लस है तो ये रिपेल करेगा, प्लस माइनस है तो ये अट्रैक्ट करेगा, कोई डाउट नहीं, एक फोर्स के साथ। और वो जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये है फंडामेंटल फोर्सेस में से एक वैरायटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलॉम्स लॉ क्या बताता है, कूलॉम्स लॉ इसी फोर्स के बारे में बताता है कि अगर दो चार्जेस रखे हैं तो वो किस फोर्स के साथ रिपेल या किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। तो कूलॉम भाई साहब ने हमारा एग्जैक्टली बोला क्या इस बारे में, उन्होंने बोला दो चार्जेस रखे हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। देखो अट्रैक्ट या रिपेल वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है। अरे भाई अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो रिपेल करेंगे, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। उन्होंने फोर्स के बारे में बताया कि जो फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में, जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, और अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमारा स्मॉल r है तो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सेपरेशन डबल कर दोगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, ट्रिपल कर दोगे तो फोर्स 1/9 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पे, जैसे हमने ये क्लास 11th में देखा था ना, कुछ उसी तरीके से है। पर क्लास 11th में क्या था, ग्रेविटेशन में वहां पर बॉडीज ऑलवेज अट्रैक्ट करती थी, यहां पर रिपल्सन भी हो सकता है। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू, जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस आर के स्क्वायर के। दोनों को कंबाइन करने पे आता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में हम लोग लिखते हैं 1/4πε₀। देखते हैं ये चीज क्या होती है, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो ये है हमारा कूलॉम्स लॉ। अभी आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, देखते हैं 1/4πε₀ के बारे में ये चीज होती क्या है। तो सबसे पहली बात 1/4πε₀ की आपको वैल्यू बता देता हूं। 1/4πε₀ होता है 9×10⁻¹, इसकी ये वैल्यू है। यूनिट कैसे लिखेंगे देख सकते हैं ना, फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, इसकी यूनिट हमको निकालनी है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। Q1 Q2 कूलॉम्ब स्क्वायर, आर आर सेपरेशन है यानी कि मीटर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलॉम्ब स्क्वायर अपॉन में आएगा यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम्ब स्क्वायर, ये है इसकी यूनिट। सो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये वैल्यू आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, इसका बहुत जगह पे यानी बोले तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें इसका यूज होगा। तो 4π क्या है ये तो हमको पता है, पाई क्या होता है 22/7। एप्साइलन नॉट ये कौन सी चीज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान से देखना। एप्साइलन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि सिंपली बोले कि अगर दो चार्जेस स्पेस में रखे हैं तो स्पेस कितना अलाउ करता है दोनों चार्जेस को फोर्स लगाने के लिए। देखो आराम से सिंपल शब्दों में समझना, हम पानी में हैं, हमने क्या किया अपने हाथ को मूव करवाया, जैसे मैं हाथ को मूव करवा रहा हूँ तो पानी में है तो ड्रैग फोर्स लगता है ना, यानी उतनी तेजी के साथ नहीं मूव करवा पाएंगे, और एयर में है तो मूव करवा ले रहे हैं, तो यानी एयर ज़्यादा अलाउ कर रहा ठीक है और पानी कम अलाउ कर रहा, तो एग्जैक्टली ये नहीं होता परमिटिविटी। पर थोड़ा सा सेंस लगाना, दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं तो मैंने दो चार्ज पार्टिकल को रखा सपोज दैट ग्लास में रखा, अगली बार मैंने वाटर में रखा, अगली बार मैंने एयर में और फिर वैक्यूम में, तो मीडियम में पार्टिकल्स अलग अलग हैं, कोई मीडियम अलाउ करेगा ज़्यादा फोर्स लगाए
कुछ मीडियम अलाउ करेगा कि कम फोर्स लगे, जैसे अगर आप पानी में रखोगे तो फोर्स कम लगेगा, दो चार्जेस हैं आपने पानी में रख दिया तो फोर्स बहुत कम लगेगा इन कंपैरिजन टू दोनों चार्जेस अगर वैक्यूम में रखे हों, ठीक है। सो परमिटिविटी का मतलब होता है, एक सेंस है कि कोई भी मीडिया कितना अलाउ कर रहा है दोनों चार्जेस को एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए, या फिर कोई चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस को कितना फ्री रखता है। अब एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये नॉट रिप्रेजेंटेशन है वैक्यूम का, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12। देखो यूनिट चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की इतनी यूनिट है। सो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर माइनस 2 कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू भी ध्यान रखना आप। देखो अब बात करते हैं डायमेंशन की। क्लास 11th में हमने पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस, और जो एच सी वर्मा जी उनकी जो बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन हमको लिखना है। तो चलो डायमेंशन इसका लिख के देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि आपको पता है लेंथ का को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, टाइम को टी से, मास को एम से, करंट को डायमेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अगर करंट है तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो दो चार्जेस रखे हैं, इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, इसके बीच का सेपरेशन है R, चार्ज Q1, चार्ज Q2। अच्छा करंट क्या होता है, I equal to Q by T होता है ना, यानी कि चार्ज को अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो मिल जाता है करंट। एक काम करते हैं, हमको निकालना है इसका डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का हमको पता है MLT-2, ठीक है, ये क्लास 11th में हमारे ये चीज हम पढ़े हैं। इनका क्या करें, जो चार्ज है तो ध्यान से देखना, चार्ज का डायमेंशन यहां से निकाल सकते हैं ना कि भाई QI इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, सो क्यू इक्वल टू आई टी हो जाएगा, आई का ए और टी का, ये है क्यू का डायमेंशन। अब इसको उठा के इसमें पुट कर दो, सो फोर्स का डायमेंशन आ जाएगा MLT-2 इक्वल टू 4 pi। ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, और कांस्टेंट क्वांटिटी यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। क्यू का डायमेंशन है ए टी, इस क्यू का भी डायमेंशन होगा ए टी, ऐसे लिख देंगे। आर क्या होगा, आर है सेपरेशन, सेपरेशन मतलब लेंथ, और लेंथ का हो जाएगा एल टू। एप्सिलॉन नॉट को इस साइड लेके आएंगे और ये बचेगा क्या, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यहां पर एल टू द पावर 1 है, यहां पर एल टू द पावर 2 है, यानी एल क्यूब, एम नीचे आ जाएगा और टी माइनस 2, एम ऊपर जाएगा हो जाएगा एम पावर माइनस 1, एल ऊपर जाएगा एल टू द पावर माइनस 3, टी टू द पावर 4 और ए स्क्वायर। ये डायमेंशन आया एप्सिलॉन नॉट का, यानी अगर आपसे कोई डायमेंशन पूछे तो आप क्या बताओगे, डायमेंशन है -1, -3, 4 और 2। -1 डायमेंशन है मास में, -3 डायमेंशन है लेंथ में, और ये जो टी है टाइम में 4 डायमेंशन है, और ए में यानी कि करंट में 2 डायमेंशन है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला समझ आया होगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, या फिर सिंपली बोलें कि वैक्यूम में भाई हमने दोनों चार्जेस को रखा तो कितना फोर्स लगाएंगे, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। अब दो चार्जेस की वैल्यू अगर आपको दे दी जाए, आपको सेपरेशन दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, चार्जेस को कूलम्ब में पुट कर दोगे, सेपरेशन को मीटर में पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू तो होती ही है 9 into 10 to the power 9।
तो ये वैल्यू भी फिक्स है। आप दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स निकाल सकते हो। पर क्या हो अगर दोनों चार्जेस को ले जाके किसी मीडियम में रख दिया जाए, क्योंकि अभी मैंने आपसे पहले ही बोला कि अगर दोनों चार्जेस को वाटर या किसी अदर मीडियम में रख दिया जाएगा तो जो लगने वाला फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। तो अब बात करेंगे किसी दूसरे मीडिया में रखने के बाद क्या फर्क पड़ता है दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स पर। दोनों चार्जेस को अब की बार हमने रखा किसी मीडियम में, बीच का सेपरेशन था इनका r। तो देखना अगर ये दोनों चार्जेस स्पेस में रखे होते यानी कि वैक्यूम में रखे होते तो इनके बीच में कितना फोर्स लगता, 1/4πε0 q1 q2 by r square। ये फोर्स है जब दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे होते, फर्स्ट इक्वेशन। अगर ये दोनों चार्जेस किसी मीडियम में रखे हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट क्या था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वो स्पेस कितना अलाउ कर रहा। अगर किसी मीडियम में हमने रख दिया तो वहां पर फोर्स कितना लगेगा, 1/4πε मीडियम। यहां पर हम लोग किसकी परमिटिविटी रखेंगे, उस मीडियम की परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, उस मीडियम की परमिटिविटी हमने यहां पर पुट करी। भाई जब चार्जेस स्पेस में रखे थे तो स्पेस कितना अलाउ कर रहा है, अगर दोनों चार्जेस किसी मीडियम में हैं तो वो मीडियम कितना अलाउ कर रहा है वो हमने पुट किया। आगे का पार्ट सेम रहेगा, q1 q2 by r square। तो सिंपल है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, देखेंगे आगे। एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो सेकेंड से, तो क्या आ जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इक्वल टू, देखो 1/4π, 4π कैंसिल आउट, बचेगा क्या, राइट साइड वाला जो पूरा पोर्शन है ये भी कट जाएगा, सिर्फ 1/ε0 यहां बचेगा और यहां बचेगा 1/εε मीडियम जो कि ऊपर आ जाएगा। ध्यान से देखना ये कैसी क्वांटिटी है, तो रेशियो है ना, मीडियम कितना अलाउ कर रहा है अपॉन स्पेस कितना अलाउ कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं एप्साइलन आर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसके रिलेटिव में, स्पेस के रिलेटिव में। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, एप्साइलन नॉट का डायमेंशन था, एप्साइलन नॉट की यूनिट भी थी, ठीक है, इसका भी डायमेंशन और यूनिट वैसा ही होगा जैसा कि एप्साइलन नॉट का था, क्योंकि दोनों सेम टाइप की क्वांटिटी हैं। बट यहां पर देखो ये एप्साइलन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ये दो परमिटिविटी का डिवीजन है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये सिर्फ एक नंबर होगा। इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, और लिखा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके आगे समझते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर एप्साइलन आर इक्वल टू दिस है, यानी कि एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू एप्साइलन आर या फिर के, ब्रैकेट में मैंने के पुट कर दिया है, और के दोनों में से एक ही पुट करना है, ये नहीं कि दोनों पुट कर दें, ठीक है, दोनों सेम चीज है। अब इसको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, मीडियम को इधर लेके जाओ, इस क्वांटिटी को नीचे लेके आओ, यानी कि फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्साइलन आर और के, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे समझना, यहां से हमको पता चल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू या एप्साइलन आर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू अगर आपको दे दी जाए तो आप इजिली निकाल सकते हो कि किसी भी मीडियम में फोर्स कितना लगेगा। चलो थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपको एग्जांपल के लिए बता रहा कि जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 80-81 के करीब होता है, ठीक है, 80 या शायद 81, चलो 80 मान लेते हैं।
फॉर वाटर जो के होता है वो 80 है। अब देखना दो चार्जेस रखे हैं अगर वैक्यूम में और इनके बीच में लगने वाला फोर्स है हमारा, एग्जांपल के लिए जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 400 न्यूटन का। अट्रैक्टिव फोर्स है, सपोज दैट एक पॉजिटिव है एंड नेगेटिव है और दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं 400 न्यूटन का। इस सिस्टम को अगर हम लोग लाके डिप कर दें वाटर में तो ये दोनों चार्जेस कितना फोर्स लगाएंगे? आपको काम क्या करना है, आपको सिर्फ के से डिवाइड कर देना है। अगर उसी को हम लोग लाके वाटर में रख दे तो फोर्स लगेगा फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के। के की वैल्यू कितनी है 80, यानी कि फोर्स लगेगा ओनली 5 न्यूटन। ठीक है, तो ये चीज देख सकते हैं कि दोनों चार्जेस जब स्पेस में रखे हुए थे तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा था इन कंपैरिजन टू अगर उसे किसी मीडियम में, यानी कि इस एग्जांपल में वाटर में रख दिए, किसी भी मीडियम में रखेंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। देखो स्पेस में कुछ भी रोकने के लिए नहीं है, अगर किसी मीडियम में रखेंगे तो उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो कुछ ना कुछ तो रुकावट डालेंगे ही डालेंगे। एक चीज और समझ लेना, दो चार्जेस हैं उनको वैक्यूम में रखें तो जो फोर्स लगेगा वो हमेशा ज्यादा होगा अगर चार्जेस को हमने किसी मीडियम में रखा, क्योंकि यहां पर ना कोई रुकावट नहीं होती। मीडियम में रखेंगे तो मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस हमारा क्रिएट करेंगे ही, तो ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज बड़ी होती है इससे, तो उसके कारण ये जो एप्साइलन आर या फिर के है, एप्साइलन आर और के, ये हमेशा वन से ज्यादा होता है। ठीक है, मैंने बोल दिया ग्लास, मैंने बोल दिया वाटर, ये हमेशा वन से ज्यादा होगा क्योंकि वैक्यूम में अगर चार्जेस रखे हैं तो उनका जो फोर्स लगता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो आज के इस बेसिक लेक्चर में बस सिर्फ यहीं तक, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। आप व्यूवर्स को, जिनको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप क्लास 11th 12th या फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।